morning students, I hope you all are well at your home. Now students, let's start today's class. So earlier we explained LCM and HCF. So exercise 6F, question number 2, question number done, we have done question number 1. So this is question number 2. In question number 2 we find the HCF and LCM both of the numbers. ये जो नंबर्स दे रखे हैं पहले हमें इसका एचसीएफ बताना है फिर इसका एलसीएम बताना है. पहले मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सबसे पहले हम 84, 140 एंड 196 का एचसीएफ निकालेंगे. एचसीएफ में हम इनको इंडिविजुअल इनका हम एचसीएफ लेंगे इस तरीके से. जैसे सबसे पहले हम 84 का एचसीएफ लेंगे. अब 84 डायरेक्ट किस नंबर से कटता है? एचसीएफ में आप ध्यान रखे बेटे, जरूरी नहीं है कि आपको 2 से ही स्टार्ट करना है, आपको बड़ा नंबर भी ले सकते हैं. बट एलसीएम में हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से. अब एचसीएफ है अभी 2 से भी कट होता है, 2 के अलावा और किससे होगा? ये 3 से भी होगा. अब 3 से बड़ा कौन सा नंबर आता है? हमारा 4 आता है. अब हम इसको 4 से कट करेंगे. 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4. अब 21 किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है. तो 3 7 जा 21. अब 7 को 7 से कर देंगे. 7 के टेबल में 7 कब आएगा? 7 बन जा 7. अब हमारा 1 आ गया. ये हमारा सम यहीं पर हमारा एंड हो जाता है. अब हम 140 का एचसीएफ निकालेंगे. 140. अब 140 को भी हम 4 से कट कर सकते हैं. देखिए 2 से भी करेंगे लेकिन फिर वो हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा. जितना अगर हम स्मॉल नंबर लेंगे तो वो हमारा लेंथी बहुत हो जाता है. इसलिए अगर आप बड़ा नंबर लेके अगर एचसीएफ को डिवाइड करते हैं तो हमारा सम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है. अब इसको भी अगर हम 4 से करें तो देखो 4 3 जा 12, क्योंकि 14 तो आता नहीं है 4 के टेबल में. 14 से कम क्या आता है? 4 3 जा 12. अब 2 बचे, 12 प्लस 2 14 होता है. वो 2 अगर हम यहाँ लगा दें तो ये 2 0 20 हो जाएगा. तो 4 के टेबल में 20 कब आया? 4 5 जा 20. अब 35 डायरेक्ट 5 के टेबल से कट कर दो. 5 7 जा 35. अब फिर 7 बन जा 7. अब देख लीजिए जहां पर भी 1 आ गया यहां पर भी 1 हमारा आ गया. अब हम 196 का एचसीएफ लेंगे. देखिए अब 196 का एचसीएफ लेंगे, इसको भी आप 4 से करिए. देखिए 4 के टेबल में 19 तो आता नहीं है. क्या आता है 19 से कम? 16. कब आता है? 4 4 जा 16. आप 19 में से 16 माइनस करा तो 3 बचा, तो 3 और 6 36 हो गया. तो 4 9 जा 36. अब 49 डायरेक्ट 7 के टेबल से कट हो जाएगा. 7 7 जा 49. अब 7 बन जा 7. ये हमारा सम ये तीनों का हो गया. अब हम इसके क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स. ये जो हमारे हैं ये सब प्राइम फैक्टर्स होते हैं. अब हम यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स. सबसे पहले हम 84 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. कौन से हैं? 4 3 एंड 7. तो हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या है? 140 के 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196. बहुत ध्यान से बेटे देखते जाइए, बहुत इजी है. अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196. अब 196 के क्या है? 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. ये हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख दिए. अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. अब कॉमन कौन कौन से हैं जो तीनों में आ रहे हैं? 4 देखिए तीनों नंबर्स में आ रहा है हमारा, और ये 7 भी हमारा तीनों नंबर में. तो ये दो हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स. अब हम यहां लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ
common factors is equal to 4 multiply 7. ये दोनों हमारे common factors हैं, तो अब हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF is equal to 4 multiply 7 is equal to 4 7 जा 20. हमारा 84, 140 और 196 का 1. So students, 4 multiply by 7 is equal to 28. So the HCF of 84, 140 and 196 is 28. ध्यान से देख लीजिए, पहले इंडिविजुअली हम इन तीनों का HCF निकालेंगे, उसके बाद में हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तीनों के, फिर उसको हम टैली करेंगे कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. ये जो 4 और 7 जो है हमारा कॉमन फैक्टर्स आ गया, उन कॉमन फैक्टर्स को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमारा आता है दैट इज द HCF ऑफ द नंबर. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सो राइट डाउन in your copy, do these sums in the copy. Students, अब हम इन्हीं three numbers का LCM निकालेंगे. LCM में हम इन numbers को कभी भी individually नहीं लिखते, इनको हम एक साथ लिखेंगे. देखो 84, 140, 196, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे. और जब हम एलसीएम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. सबसे स्मॉल टेबल 2 का होता है, सबसे पहले हम 2 से लेंगे. अब हम इसको 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? बिकॉज दीज ऑल नंबर्स आर इवन नंबर्स एंड ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब 2 से डिवाइड होते हैं. अब देखिए किस तरह करेंगे हम. 8 का पता है 2 के टेबल में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14 एंड 0. फिर अब 19 नहीं आता तो 2 9 जा 18 आ गया. अब 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 8 जा 16. अब फिर इसको हम 2 से करेंगे. देखिए ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब 7 नहीं आता, 2 3 जा 6. अब 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10. अब 9 नहीं आता तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा. नाउ स्टूडेंट्स, आप देखो ध्यान दो बेटे इधर एक बार. अब ये जो ऊपर वाले टू नंबर्स जो है वो सब 2 से डिवाइड हुए. अब ये सब हमारे ऑड नंबर्स है, 21 35 49. अब 2 के बाद किसका टेबल आता है? 3 का. अब देखिए इसमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो 3 के टेबल में आता है? ये देखिए 21 आता है 3 के टेबल में. हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ये नहीं कि पहले बड़ा टेबल ले ले फिर छोटा ले ले, ऐसा नहीं करना. पहले हम तो, और अगर एक नंबर भी उस टेबल से कट रहा है तो आप पहले उसी टेबल से उसको कट करोगे स्मॉल से, देन बिग पे आएंगे. ये नहीं कि पहले बड़ा नंबर ले लिया और बाद में हम स्मॉलर नंबर नहीं लेंगे. आप 3 से कीजिए, 3 7 जा 21. अब जो नंबर उस टेबल में नहीं आता उसको हम एज इट इज लिख देंगे. 49 नहीं आता, 49 को भी हमने एज इट इज, ठीक है. अब 3 के बाद हम किससे करेंगे इसको? 4 के टेबल में इनमें से कोई नंबर नहीं आता, 5 के टेबल में क्या आता है? 35. अब 5 से करेंगे. अब 5 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज ले तो 35 कब आता है? 5 7 जा 35. 49 नहीं आता, 49 को एज इट इज ले तो. अब हमारा कौन से टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं? 7 के टेबल में. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49. अब अगेन इसको फिर से 7 से करेंगे. 1 नहीं आता, फिर ये 1 नहीं आ रहा, एज इट इज लिख दो. अब ये 7 कब आ रहा है? 7 बन गया. अब देखिए नीचे हमारे लास्ट में तीनों जगह 1 1 1 आ गया. आपको मैंने एलसीएम में यही बताया था कि जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड नंबर्स को करते रहेंगे. और देखिए बिल्कुल सीरियल वाइज हमने करा है, पहले 2 का टेबल, देन 5, देन 3, देन 5, देन 7. ऐसा नहीं है कि पहले हम 7 ले लें और बाद में 5 ले लें. अब हम क्या करेंगे? अब हम एलसीएम इसका निकालने के लिए ये जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. एचसीएफ में हम क्या करते हैं बेटे? कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा एचसीएफ होता है. बट एलसीएम में हम कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्ट जितने भी हमारे ये वाले फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखिए अब 2
940, ये हमारा इसका एलसीएम। अब आप देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों सम समने हैं, सेम नंबर है, इन्हीं नंबर का पहले हमने एलसीएम निकाला है, उसके बाद इन्हीं नंबर का हमने एलसीएम निकाला है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो ध्यान से इन सम्स को समझिएगा, नहीं समझ में आए तो आप फिर से एक एक बार एग्जाम्पल चेक कीजिएगा, जैसे मैंने समझाया ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, आज आपको फिर से ये रिपीट कर रही हूँ, तो इसलिए एक ही नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ सो स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस सम इन योर नोटबुक, सम नंबर A1, सो सम नंबर B, C एंड D इज योर होमवर्क। ये जो A वाला था ये आपका 3 नंबर्स वाला था, ये मैंने आपको करवा दिया है। B C D जो है वो थोड़े स्मॉल है, 2 नंबर्स वाले हैं, यू विल डू वेरी इजीली, आप बहुत ध्यान से करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप खुद कोशिश कीजिए, जितनी आप खुद ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस।